गरीब घर की बेटी रूपा बेहद टैलेंटेड थी। गांव के शिवशंकर परिवार और सुषमा देवी की बेटी रूपा उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में नौवीं क्लास में पढ़ती थी। सुषमा देवी बहुत गरीब थी, स्कूल में खिचड़ी बनाने का काम करती थी। पति मजदूरी कर घर का गुजारा करता था, पर रूपा को गाने और फिल्म देखने का बहुत शौक था। शाहरुख खान और काजोल की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गाने सुना करती थी और कॉपी पर लिख कर याद कर घर में जब कोई नहीं होता था तो माँ की साड़ी पहन कर खुद गाने गाती और डांस करती थी। फिल्म देखना चाहती थी। सिनेमा हॉल गांव से 3 किलोमीटर दूर था। टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। दशहरे के दिन गांव के दुर्गा मंडप में आरती के बाद वीडियो पर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दिखाने का गांव में अनाउंस हुआ तो रूपा खुशी से झूम उठी और उसने तुरंत राघव की बेटी के पास जा कर के आज रात फिल्म देखने का प्लान बनाया और तैयार हुई। जब रात सभी खा पी कर सो गए तो रूपा चुपके से घर से निकल कर सिनेमा देखने पहुंच गई। आधी रात घर पहुंची तो माँ पूछने लगी, अरे कल मुही किसके साथ मुँह काला कर आ रही है? पर रूपा ने सिनेमा देखने की बात कही और जाकर सो गई। पर माँ को नींद नहीं आई और पति से बोली, अजी सुनती हो, बेटी के पैर बहक रहे हैं, अब जवान हो चुकी है, अपना इज्जत तो जाएगी पर गांव में हम मुँह दिखाने लायक नहीं बचेंगे और स्कूल में खिचड़ी बनाने का काम भी जाएगा। पति बोला, हम रूपा की शादी करा देंगे पास के ही गांव में अनुज के साथ। रूपा की शादी करा दी। अनुज बेहद गरीब था, घर का खर्च कपड़े प्रेस कर चलाता था। गरीब घर शादी के बाद रूपा माँ के घर आई और माँ का हाथ बटाने, स्कूल में खिचड़ी बनाने में मदद करने लगी। तभी एक दिन रांची से जन जागृति फैलाने वाले नाटक करने वाले स्कूल में आए, पर नाटक की मुख्य किरदार करने वाली सुलेखा का तबीयत खराब हो गया। अब नाटक का निर्देशक परेशान हो गया और स्कूल की छुट्टी करा दी गई थी। पंचायत में ऐलान कर लोगों को बुला लिया गया था और निर्देशक स्कूल की लड़कियों में से किसी को नाटक के लिए लेना चाहता था, पर कोई तैयार नहीं हुआ। तब निर्देशक ने रूपा की माँ से कोई ऐसी लड़की के बारे में पूछा जो इस नाटक में भाग ले सके, इस काम का मोटा रकम देने को कहा। गरीब रूपा ने नाटक में भाग लेने को तैयार हो गई, पर माँ मना करने लगी। पर गांव के मुखिया ने पूरे ग्राम का समर्थन देते हुए रूपा को नाटक में भाग लेने के लिए तैयार किया। रूपा की माँ को मना लिया। नाटक एड्स और स्वस्थता अभियान का था। रूपा बेहतरीन भूमिका निभाई और पूरे ग्रामवासी के साथ मुखिया ने भी शाबाशी दी। कुछ दिन बाद ये नाटक रांची दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ और रूपा फेमस हो गई। एक धारावाहिक के लिए डायरेक्टर रूपा को लेने के लिए गांव आए। रूपा अपने पति के घर थी। डायरेक्टर पति के घर पहुंचा और रूपा से बात की। रूपा मान गई पर पति ने इनकार कर दिया। डायरेक्टर ने रूपा को अपना पता दिया और चले गए। रूपा पति को समझाई पर पति ने साफ मना कर दिया। पति बोला, तुम रांची जाकर गलत संगत में बिगड़ जाओगी, हम और अपने माँ बाप को भूल कर दूसरों मर्दों के साथ रंगरलिया मनाने के लिए तुम
रांची जाना चाहती हो, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आज रात सोने के बाद रूपा भोर में ट्रेन पकड़कर रांची के लिए रवाना हो गई। पति सुबह देखा तो हैरान रह गया, अपने सास ससुर को खूब बुरा भला कहा, पर 2 साल बाद रूपा लौटी तो लाखों रुपए लेकर आई और 1 हफ्ते में घर का काया बदल दी। अब रूपा के जाने का समय आ गया, पर पति मना नहीं किया बल्कि रूपा के साथ रांची गया और आज रूपा रांची में बस गई, खुशहाल परिवार में जी रही है अपने प्रतिभा के दम से।